यूरोपीय देशों की यात्रा पर पीएम मोदी। चीन और पाकिस्तान की बजने लगी है घंटी। दोनों देशों को दिखने लगा है अपना काल। क्या पीएम मोदी बहाएंगे संबंधों की नई बयार? क्या फ्रांस और जर्मनी के साथ हो सकती है बड़ी डील? स्वीडन और फिनलैंड के साथ बैठक में क्या उठेगा रूस का मुद्दा? पीएम मोदी के दौरे के क्या है मायने खास? दोस्तों, पीएम मोदी अपनी कूटनीति के लिए दुनिया भर में विख्यात हैं। उनकी विदेश नीति का कोई सानी नहीं है। यूक्रेन और रूस युद्ध के बीच एक बार फिर पीएम मोदी इसी का परिचय देने के लिए निकल चुके हैं। पीएम मोदी की इस यात्रा से चीन के कान खड़े हो गए हैं, पाकिस्तान की भी चुंडी गर्म हो गई है। दोनों देश ये समझने की जुगत कर रहे हैं कि अब की बार पीएम मोदी कौन सा पासा फेंकने वाले हैं जो भारत को और मजबूत करेगा, जो कि उनकी बत्ती गोल कर देगा। ऐसे समय में जब रूस और यूक्रेन युद्ध को लेकर भारत के यूरोपीय देशों से संबंध में थोड़ा उतार चढ़ाव आया है, तो पीएम मोदी की इस यात्रा से भारतीयों को भी बड़ी आस है। उन्हें उम्मीद है कि पीएम मोदी फिर ऐसी बिसात बिछाएंगे जिससे दुनिया में भारत का डंका बजने लगेगा। दोस्तों, पीएम मोदी यूरोप के किन किन देशों की यात्रा कर रहे हैं और उनकी इस यात्रा से भारत को क्या क्या फायदा होने वाला है और हमारे पड़ोसी देशों को क्या नुकसान, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इसके लिए आपको मेरे साथ बने रहना होगा और वीडियो को पूरा देखना होगा। आज का ये वीडियो हमारे दुश्मन देशों के लिए भी किसी कौतूहल से कम नहीं होगा, क्योंकि वो भी जानने को बेकरार हैं कि पीएम मोदी अपनी यात्रा के दौरान कौन से बिसात बिछाने वाले हैं। दोस्तों, दुश्मनों की धड़कनें बढ़ाने वाली इस यात्रा के बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको बता देता हूं कि टोक्यो में मोदी और बाइडेन की होने वाली मुलाकात क्या गुल खिलाने वाली है। टोक्यो में होने वाला है बड़ा खेल, रूसी हथियारों पर निर्भरता को लेकर होगी बात। दोस्तों, मौजूदा वक्त में पूरे विश्व की कूटनीति में उथल पुथल मची हुई है। रूस और यूक्रेन युद्ध ने काफी कुछ बदल दिया है। अमेरिका सीधे तौर पर रूस के खिलाफ कार्रवाई की बात कर रहा है, भारत पर भी वो इसके लिए दबाव बना रहा है। इन सब हालातों के बीच जापान में क्वाड की बैठक होनी है। इस मीटिंग में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और पीएम मोदी की मुलाकात होगी। इस मीटिंग में देखने वाली बात यह होगी कि क्या अमेरिका भारत के हथियार बेचने की बात करता है या नहीं। अमेरिका की बातों से ये लग रहा है कि वो भारत को अपने पाले में लाने के लिए भारत और रूस के संबंधों की सबसे प्रमुख जड़ आर्म्स डील पर घात करने की सोच रहा है। अमेरिका को लगता है कि भारत रूस पर हथियारों को लेकर डिपेंड है, और अगर अमेरिका ये डिपेंडेंसी अपने ऊपर ले लेता है तो भारत रूस का विरोध करने लगेगा। भारत के दौरे पर आए अमेरिका के रक्षा मंत्री भी इसका संकेत दे चुके हैं। उन्होंने साफ कहा था कि भारत चाहे तो अमेरिका रूस के हथियारों को रिप्लेस करने में उसकी मदद कर सकता है, लेकिन भारत ने इसे खारिज कर दिया था। दोस्तों, बाइडेन 20 से 24 मई के बीच दक्षिण कोरिया और जापान की यात्रा करेंगे। इसी दौरान टोक्यो में होने वाली मीटिंग में हिस्सा लेंगे। अपनी इस यात्रा से पहले ही वो भारत को साधने में जुट गए हैं। इसके लिए उन्होंने अपने सिपह सालारों को भी लगा दिया है, जिसकी वानगी भी अब दिखने लगी है। दरअसल, अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने भारत और रूस के संबंधों को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारत ने रूस के साथ संबंध विकसित किए क्योंकि अमेरिका पहले ऐसा नहीं कर सका। अगर अमेरिका पहले भारत के साथ संबंध बनाता तो आज रूस की जगह वो होता। दोस्तों, सवाल ये उठता है कि आखिरकार ब्लिंकन को ऐसा कहने की जरूरत क्यों पड़ी। दरअसल, अमेरिका ये काफी अच्छी तरह समझ चुका है कि अब भारत उसके इशारों पर नाचने वाला देश नहीं रहा। कई मौके पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ कर दिया कि भारत अपनी मर्जी का मालिक है और अपने देश के हित के हिसाब से वो फैसला लेगा। रूस से कच्चा तेल आयात करने को लेकर भी जब पश्चिमी देश भारत पर दबाव बना रहे थे, तब भी भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया देकर अमेरिका और ब्रिटेन की बोलती बंद कर दी थी। दरअसल, अमेरिका रूस मामलों में भारत का साथ चाहता है, लेकिन भारत किसी भी कीमत पर रूस के साथ सीधे नाराजगी मोल नहीं लेना चाहता, क्योंकि दोनों देशों के रिश्ते काफी पुराने और अच्छे हैं। भारत की निर्भरता अभी रूस के हथियारों पर है। यही कारण है कि अमेरिका भारत पर ज्यादा दबाव नहीं बना पा रहा है, क्योंकि वो जानता है कि भारत चाहकर भी ऐसे हालात में कुछ नहीं कर सकता। अमेरिका ने खुले रूप से अब इस बात को स्वीकार भी कर लिया है, लेकिन अमेरिका के दोहरे चरित्र से भारत भली भांति वाकिफ है। वो जानता है कि अमेरिका कहता कुछ और करता कुछ और है। यही नहीं, मुसीबत के वक्त में खुलकर आपका साथ भी नहीं देता। यूक्रेन युद्ध इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। लिहाजा केवल चीन के मुद्दे को लेकर वो रूस के साथ संबंध खराब नहीं करना चाहता। अमेरिका को भी अंदेशा है कि भारत रूस को इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा, लेकिन भारत ने भी नई सियासी खिचड़ी पकानी शुरू कर दी है। इस लिहाज से पीएम मोदी यूरोपीय देशों की यात्रा पर निकले हैं। यूरोपीय देशों के दौरे पर पीएम मोदी की यात्रा के हैं कई मायने।
दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूरोप यात्रा ऐसे वक्त पर हो रही है जब यूक्रेन पर आक्रमण के चलते रूस के खिलाफ अधिकांश यूरोपीय देश एकजुट हैं और भारत उन सबसे अलग है। रूस को लेकर भारत ने अपना रुख न्यूट्रल कर रखा है। ऐसे में पीएम मोदी की यह पहली विदेश यात्रा कई मायनों में अहम है। प्रधानमंत्री की 3 देशों की यात्रा के दौरान ऊर्जा, सुरक्षा, आर्थिक संबंध, विकास, जलवायु और हरित ऊर्जा सहित विविध क्षेत्रों में विस्तृत चर्चा होगी। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के दौरान इन देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को और गहरा बनाने के तरीकों पर चर्चा की जाएगी, क्योंकि भू राजनीतिक परिस्थितियों की पृष्ठभूमि में ऊर्जा सुरक्षा का मुद्दा महत्वपूर्ण है और यूरोपीय देशों के नेताओं के साथ बैठक में यह विषय चर्चा के लिए आएगा। दोस्तों, भारत जानता है कि इस यात्रा के दौरान यूक्रेन युद्ध का मुद्दा जरूर उठेगा, लिहाजा उसने पहले ही अपने रुख साफ कर दिया है। यूक्रेन संघर्ष को लेकर क्वात्रा ने कहा कि इस विषय पर हमारा रुख स्पष्ट है और अनेक मंच पर हमने इसे व्यक्त किया है। हम चाहते हैं कि युद्ध खत्म हो और इसका समाधान बातचीत और कूटनीति के जरिए निकाला जाए। विदेश सचिव ने कहा कि मेरा ख्याल है कि ये बात हमारे यूरोपीय सहयोगी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे सहयोगियों को भी अच्छी तरह पता है। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के दौरान ऊर्जा संरक्षा चर्चा का एक महत्वपूर्ण बिंदु होगा, क्योंकि वर्तमान परिस्थितियों में इसका काफी महत्व भी है। विदेश सचिव के साथ ही पीएम मोदी ने भी अपनी यात्रा को लेकर ट्वीट किया। पीएम मोदी ने लिखा, मेरी यूरोप यात्रा ऐसे समय पर हो रही है जब इस क्षेत्र की कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि मैं अपनी यात्रा के माध्यम से यूरोपीय भागीदारों के साथ सहयोग की भावना को मजबूत करना चाहता हूं। शांति और समृद्धि के लिए भारत के चाह में यूरोपीय भागीदार महत्वपूर्ण साथी हैं। दोस्तों, पीएम मोदी जर्मन, डेनमार्क और फ्रांस की 3 दिवसीय यात्रा पर हैं। इस दौरान वो लगभग इन देशों में 65 घंटे बिताएंगे और 25 से ज्यादा कार्यक्रमों में शामिल होंगे। यात्रा के पहले चरण में पीएम मोदी बर्लिन में जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्स के साथ वार्ता करेंगे। इस बैठक में दोनों देशों के कई मंत्री भी शामिल होंगे। पिछले साल दिसंबर में सत्ता में आए शोल्स के साथ ये मोदी की पहली बैठक है। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री और चांसलर शोल्स व्यापारिक सम्मेलन को भी संयुक्त रूप से संबोधित करेंगे। पीएम मोदी जर्मनी में भारतीय समुदाय के साथ भी संवाद करेंगे। पीएम मोदी यात्रा के दूसरे चरण में डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फेडरिक्सन के साथ कोपेनहेगन में मुलाकात करेंगे, जहां वो दूसरे भारत नॉर्डिक सम्मेलन में भागीदारी करेंगे। डेनमार्क में प्रधानमंत्री अपने समकक्ष मेटे फेडरिक्सन के साथ चर्चा करेंगे। इस बैठक में दोनों देशों के नेताओं को डेनमार्क के साथ भारत के हरित सामरिक गठजोड़ में हुई प्रगति की समीक्षा करने का अवसर मिलेगा। इसके अलावा दोनों नेता द्विपक्षीय संबंध और अन्य मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। डेनमार्क में प्रधानमंत्री का नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड और फिनलैंड के नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता करने का कार्यक्रम है। दोस्तों, यह आपको बता दूं कि पीएम मोदी की स्वीडन और फिनलैंड के नेताओं के साथ बैठक को लेकर रूस काफी सतर्क है, क्योंकि दोनों ही देश रूस की मर्जी के खिलाफ नेटो संगठन में शामिल होना चाहते हैं, जिससे रूस भड़का हुआ है और वो इन देशों को भी अंजाम भुगतने की चेतावनी दे रहा है। ऐसे में पीएम मोदी के साथ इन देशों के नेताओं की मुलाकात पर रूस की खास नजर है। दोस्तों, पीएम मोदी यहां भारत और डेनमार्क बिजनेस लीडर्स के साथ बैठक में हिस्सा लेंगे और भारतीय समुदाय के लोगों के साथ भी संवाद करेंगे। इसके बाद 4 मई को प्रधानमंत्री मोदी वापसी के दौरान पेरिस में रुकेंगे, जहां वो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात करेंगे। मैक्रों पिछले सप्ताह हुए चुनाव में दोबारा राष्ट्रपति चुने गए। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की फ्रांस यात्रा से दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय संबंधों को और आगे ले जाने का अवसर मिलेगा। दोस्तों, पीएम मोदी की इस यात्रा को लेकर चीन चौकन्ना हो गया है। उसकी आंख फड़कने लगी, उसको एहसास होने लगा है कि उसके पैरों में बेड़ियां पड़ने वाली है, लिहाजा वो तड़प रहा है, सोच रहा है कि अब कौन सा उपाय करे। अब्बा जान की बुरी हालत देखकर बेटा जान भी परेशान हो गए हैं, क्योंकि पीएम मोदी की यात्रा उनके लिए भी खतरे की घंटी है, लिहाजा आतंकवाद को पाल पोस रहे शहबाज शरीफ की भी फटने लगी है। वो सोच रहे हैं कि अमेरिका के बाद कहीं पीएम मोदी उनका दाना पानी दूसरे देशों से भी बंद न कर दें, लिहाजा इस सोच से उसके दिन का चैन और रातों की नींद उड़ी हुई है। दोस्तों, जहां पड़ोसी देश मोदी जी की यात्रा को लेकर भयाक्रांत है, वहीं भारतीय इसे लेकर आशावान्वित हैं। उन्हें लग रहा है कि रूस और यूक्रेन युद्ध के कारण जो बाजी भारत के हाथ से निकल गई थी, एक बार फिर वो भारत के हाथ में आ जाएगी और यूरोपीय देशों से उसके संबंध पहले जैसे हो जाएंगे। दोस्तों, आपको क्या लगता है, पीएम मोदी की यूरोपीय यात्रा क्या नया गुल खिलाएगी? क्या पीएम मोदी यूरोपीय देशों की यात्रा से फतह करके लौटेंगे, या यूक्रेन युद्ध में रूस का साथ देने के कारण कहीं कोई स्थान खाली न रह जाए? आप अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जय हिंद, जय भारत।